यहाँ का विधायक इतना निकम्मा कमीना है कि वो पीछे मत, 100 चक्कर लगवाने के बाद में भी काम नहीं हुए। या चलो ठीक है, आपने फ्री कर दिया, लेकिन जो टिकट पे केजरीवाल जी का प्रचार हो रहा है आचार संहिता लगने के बावजूद बसों में टिकट बैठे, क्या आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। इस समय हुंकार मीडिया की टीम पहुंची है मादीपुर विधानसभा में। जानने मादीपुर का मूड, जानने यहां के लोगों का मूड कि आने वाले चुनाव में इनका क्या मिजाज है। क्या लोगों के मुताबिक आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की टक्कर में कौन किस पे भारी रहता है, ये भी हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा अब तक लाई गई योजनाओं का, उनके लाए गए ऐतिहासिक कदमों का क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव में कोई असर पड़ेगा, आइए जानते हैं मादीपुर का क्या मूड है। हरीश कुमार, जबकि और दिल्ली में किसकी सरकार आनी चाहिए? दिल्ली में बीजेपी गवर्नमेंट आनी चाहिए। सर बीजेपी क्यों, आम आदमी पार्टी क्यों नहीं? आम आदमी पार्टी, एक तो जो बसों का किराया फ्री किया है तो उसमें टिकट बांटने की क्या जरूरत पड़ी थी, जो ये अननेसेसरी गवर्नमेंट का पैसा वेस्ट कर रहे हैं। आपने फ्री कर दिया, चलो ठीक है आपने फ्री कर दिया, लेकिन जो टिकट पे केजरीवाल जी का प्रचार हो रहा है आचार संहिता लगने के बावजूद बसों में टिकट बैठ रहे, क्या आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? अगर आपने फ्री किया तो फिर टिकट किस लिए बैठ रहे हो? ये जो सरकारी पैसा दुरुपयोग हो रहा है, प्रिंटिंग प्रेस का दुरुपयोग हो रहा है, जो केजरीवाल की फोटो छप रही है, ये गवर्नमेंट का पैसा है तो वेस्टेज है। सर इसके अलावा बिजली भी फ्री दे रहे हैं केजरीवाल? बिजली फ्री दे रहे हैं, 5600 करोड़ के घाटे में बिजली चल रही है, दिल्ली की 3 एजेंसियां बिल्कुल बर्बादिया कागार पर चल रही है, जो एक देश की अर्थव्यवस्था चलाते हैं, ट्रांसपोर्ट और जल बोर्ड और BSC देशू, ट्रांसपोर्ट चल रहा 3600 करोड़ के घाटे से, BSC देशू चल रहा 5600 करोड़ के घाटे से, जल बोर्ड के लोगों को सैलरियाँ नहीं मिल रही है, अपने प्रचार में दुनिया भर का पैसा खर्च कर रहा है। देश के विधायक अमरतुल्ला खान ने वो बयान दिया, ऐसा CA में कोई वो है ही नहीं कि भाई किसी का बुरखा उतरवा लिया जाएगा, किसी की दाढ़ी कटवा दी जाएगी। ये तो जो हमारे अल्पसंख्यक, जो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक है, हमारे हिंदू समाज के लोग, उन्हों को नागरिक देने का प्रोग्राम है, कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी को बाहर निकालने की कोई है। वो तो NRC है कि भाई जो घुसपैठिए इसमें देश में घुसे, NRC है चाहे तो लोगों को बाहर निकाला जाए। जो हमारे देश के युवा मेरे जो उम्र है, जो 2 करोड़ लोग घुसपेटे घुसे हुए, हमारे आज के जो यंग जनरेशन के लोग हैं उनको, वो जो 8-10 हज़ार रुपये में काम करे, जो हमारे देश में 15-20 हज़ार की सैलरी है, वो घुसपेटे 8-10 हज़ार में काम कर रहे हैं। तो जो अमरतुल्ला खान और जो सोनी ग्वाल को इसने, सारे आतंकवादियों को इसने अपने उसमें लिया है, जो हिंदू विरोधी काम कर रहा है, ये तो सर मुसलमानों के फेवर में सारे काम जा रहे हैं, हिंदुओं का क्या होगा? मादीपुर की अगर बात कर जाए, मादीपुर का क्या मूड है आने वाले समय में? मादीपुर में देखो अभी एक सभा चल रही है, अगर कांग्रेस अपना वोट बैंक वापस लेती है तो मादीपुर में यहाँ पे उनके द्वारा काम हुए तो कोई काम नहीं हुआ। विधायक 4 बच्चों ले घूमता है बस, विधायक के पास कोई आदमी नहीं है काम के लिए। आप देख लीजिए ना, आप खुद देख लीजिए, यहाँ पे दिखाओ कैमरे के अंदर, जो हॉस्पिटल का निर्माण होना था 20-15 साल कांग्रेस में नहीं करा, 5-6 साल से इसमें लटका रखा। बीजेपी को किस आधार पे मिलनी चाहिए दिल्ली की सत्ता? केंद्र की उपलब्धियों के आधार पे मिलनी चाहिए। अच्छा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं उनका असर दिल्ली के चुनाव में देखा जा सकता है? जो बिल्कुल देखा जा सकता है, 3 तलाक 370 राम मंदिर, जो उन्होंने कहा वो किया ना, चाहे 3 तलाक हो, चाहे 370 हो, चाहे 35 हो, जो लोगों का एजेंडा है, मैनिफेस्टो था, उन्होंने सारे फायदे पूरे किए ना। और NRC का समर्थन करते हैं आप? बिल्कुल करता हूँ। कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये नागरिकता छीनने वाला, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, हमारे एक भाई है चंद्रशेखर रावण, भीम आर्मी के चीफ कहलाते, CA दुख किसको है? पैसे वाले जो हिंदू थे पाकिस्तान में वो तो पहले ही आ चुके थे, जो दलित हिंदू है, गरीब हिंदू है, बाल्मी समाज, जाटों समाज और जैन जैसे तबकों के हिंदू है, जो पैसे के दम पे यहाँ पे आ नहीं सकते थे, नुकसान तो की बहन बेटे को उठा उठा के वो गलत काम करते ना, तो उनके लिए कानून है, तो ना कि किसी गलत अदर आदमी के लिए। मतलब भारत का जो भी नागरिक है इस कानून के तहत उसकी नागरिकता पर कोई असर नहीं पड़ रहा उसकी नागरिकता पे, लेकिन जो दलित तो समाज के लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं था, जिन्होंने कनकट्टे पे मुसलमान और वहाँ के आतंकवादी गिरो, अब उसके बाप की कनकट्टे पिस्टल रखते हैं और उसकी लड़के ले जाते हैं, 4 दिन बाद छोड़े हुए, दलित समाज के अत्याचार हो रहा है, उसके लिए कानून तो हमारे यहाँ का MLA ठीक नहीं है, वो काम नहीं करता ढंग से, कोई काम नहीं कर रहा उसने 5 साल में। सर क्या नाम है MLA का? गिरीश सोनी। उनके द्वारा पिछले 5 साल में कोई काम नहीं, यहाँ पे तो कोई काम ही नहीं हो रहा, कोई क्या क्या समस्याएं हैं इस सीवर की समस्या के लिए जाते कहते हैं फोन कर रहा हूँ। एक बार अभी बीच में गए थे भाई, यहाँ पे ऐसे लड़के खड़े होते हैं, ऐसी ऐसी बात है, तो कह रहा अभी फोन कर रहा है सच्चों को, पता नहीं करा नहीं करा फोन पे, करा बीट को लगवा दूंगा। विधायक जी के द्वारा कोई काम नहीं हुआ, ऐसा कोई काम नहीं। यहाँ का विधायक इतना निकम्मा कमीना है कि वो पीछे मत, 100 चक्कर लगवाने के बाद में भी काम नहीं हुए। आज मेरी है ना, मेरी नहीं, पूरे जो भी जाते हैं, बोलने का किसी को देता नहीं है, शिकायत किसी को सुनता नहीं है, अपनी अपनी आता है नंबर वन। जब अपनी अपनी आगेगा, सामने वाले की नहीं सुनेगा तो वो काम क्या करेगा?
ठीक है, विधायक हमें मिला गंदा, काम का नहीं मिला बिल्कुल। टाइम समस्या पे पानी की तो खैर हो गई है थोड़ी समस्या, पानी कभी कभी गंदा आता, बाकी सीवर की तो पूरे माजीपुर के अंदर समस्या है जी। पाइप हो गए छोटे, ठीक है, उनसे जाके कहते हैं जी पैसा बहुत है मेरे पास, कोई मेरे से करवाने वाला होना चाहिए, जाते हैं यही जवाब मिलता है लेकिन काम नहीं है। अबे पता नहीं वो पैसे को चाटते हैं, पता नहीं क्या करते, जब पब्लिक का काम नहीं हुआ तो पैसा किस काम का, जब विधायक को दिया जाता पैसा सरकार के लिए विकास के लिए दिया जाता है। अब अगर आप अगर उसमें विकास नहीं करोगे तो आपका काम कहाँ नजर आएगा। यहाँ पे भी हम खड़े हैं, गांव में हम मौजूद हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनका भी यही कहना है कि सुबह जो है विकास यहाँ बहता है, पानी यहाँ बहता है, सीवर का गंदा पानी ओवरफ्लो हो जाता है, सुबह और शाम दो समय यहाँ पानी बहता है, फिर ये लोग यहाँ पे अपना पानी वानी डाल के साफ सफाई करते हैं गली की। आइए जानते हैं क्या है यहाँ का हाल। क्या नाम है आपको? मेरा नाम संतोष है भाई। ये पानी सुबह शाम चले, लैटरिन सारे का बह है, इतनी दिक्कत हो जाए, यहाँ उसमें बदबू आवेगी, फिर बाद में फिर ये सारे साफ भी करें। तो साफ करने वाला कोई आता नहीं? कोई नहीं आता, नाली वाला भी 10-15 दिन में एक बार काट के जा, ना कोई झाड़ू वाला आता है यहाँ। क्या कहना चाहेंगे आप, कब से है ये समस्या यहाँ पे? ये समस्या भाई बता दो भाई, आप बताइए कब से समस्या है ये? तो काफी दिन से हो रही है। काफी दिन से? हाँ। कोई साफ सफाई करने नहीं आता यहाँ? कोई नहीं आता। कोई नहीं आता? विधायक जी को कभी देखा क्या आपने? ना, यहाँ कभी नहीं देखे। विधायक जी को कभी नहीं देखा? कितने समस्या हम हमारे फिर गांव में समस्या बनी हुई है भाई? ये कम से कम 3 साल हो गए हैं और इनकी हर जगह कंप्लेंट कर ली है, 1916 पे पंजाब विभाग मादीपुर, तो कोई सुनवाई नहीं है। विधायक जी कभी आप लोगों को कुछ भी नहीं आते समस्या को देखने? विधायक जी तो दिखते कैसे हैं, हमें तो यही नहीं पता। विधायक जी की शक्ल नहीं देखी आपने आज तक? जब भी तो कह रहे हैं दिखते कैसे हैं, बस नाम है गरीब सोनी, लेकिन कभी इधर झांक के नहीं देखा है। इसके अलावा रोड सड़कों की अगर बात करी जाए तो कुछ काम हुआ है विधायक के द्वारा पिछले 5 सालों में यहाँ पे? एक बार ये बाहर मेन रोड की सड़क बनी थी, बाकी ये गली की नहीं कोई काम नहीं। सीवर की सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे? सीवर की सबसे बड़ी समस्या, और ये करीब 3 साल हो गए। तो विधायक के पास शिकायत लेके गए आप लोग हर जगह? विधायक नहीं, MCD जो जिसके अंडर आता है, वहाँ MCD में भी कंप्लेंट है, और ये मादीपुर कॉलोनी में जो बैठते हैं वहाँ भी कंप्लेंट है। पंजाब जल बोर्ड की गाड़ी कभी आती है यहाँ पे? दिल्ली जल बोर्ड की गाड़ी आती है, अभी एक बार वो वहाँ से पानी खींचेगी बाहर से, हाँ मेन लाइन से, और यही नाली में छोड़ के चली जाएगी। अच्छा, वहाँ से खींचेगी, यही नाली में? नाली में छोड़ के चली जाएगी, और विद इन 15 मिनट के अंदर ये दोबारा प्रॉब्लम फिर से सारा पानी का पानी अंदर जाके फिर वापस बाहर। हाँ जी, मतलब यहाँ का पानी यहीं से निकालते हैं और सीवर से निकालेंगे और यहाँ नाली में छोड़ देंगे, नाली का वापस सीवर में जाएगा फिर बाहर आएगा, फिर वही समस्या जो कितनी है, समाधान नहीं है। नहीं तो समझिए, कितने समय से यहाँ पानी की समस्या, सीवर की समस्या है? भैया 2-3 साल से ऐसे सीवर चल रहा है। नहीं चल रहा है? हाँ ऐसे चल रहा है 2-3 साल से। अच्छा, तो शिकायत वगैरह कभी दे नहीं है? कंप्लेन कई बार जाती हूँ, सफाई करने के लिए भी कोई नहीं आता? आते हैं बाहर से करके चले जाते हैं, अंदर तो कोई नहीं आता? अंदर ना आते, अगर आते भी हैं तो गटर खोल देते हैं, तब भी खोल चले जाओ दरवाजे के सामने, तब भी निकलता रहता है, तब भी निकलता रहता है। हाँ जी। अच्छा, पीने का पानी साफ मिल रहा है क्या आप लोगों को, या वो भी गंदा मिल रहा है? अब तो साफ आ रहा है, बीच में गंदा आ रहा था। बीच में गंदा? हाँ बीच में बहुत ज्यादा गंदा आ रहा है। माता जी थोड़े देर सामने देखिए, सामने कैमरे की तरफ। क्या नाम है आपका? उर्मिला। क्या क्या समस्या आपके यहाँ पे है मादीपुर गाँव के अंदर? समय क्या आता है, ऐसा ही है भैया, देखो कैसे आए गंदो रहता है। कितने समय हो गया तकरीबन? यही 3 साल तक आई है। तो 3 साल के समय हो चुका है, तो आता नहीं सफाई करने के लिए कोई यहाँ पे? कोई नहीं आता भैया, ये सारे खोल के तो जाता है फिर ऐसे हो जाता है। अच्छा, खोल के चले जाता है और फिर ऐसे रहता है? सफाई भी करता है नहीं करता है जो खोल के जाता है? सफाई भी करते हैं फिर आप भर जाते हैं। भर जाते हैं? हाँ। मतलब रोजाना की ऐसी समस्या आपकी, रोजाना पानी निकलता है? अगर खोल भी जाए, खोल भी जाए निकलना चालू हो जाता है, फिर दोबारा गटर बंद भी नहीं करने आते, फिर जो मकान मालिक रहते हैं वही बंद करते हैं, फिर गटर भी नहीं बंद करने आते हैं। क्या क्या समस्या अम्मा जी यहाँ पे आप लोगों की? यही है भाई, जो ये बोल रहे पानी की बहुत परेशान है, ये सारा दिन आता है 3 दिन यहाँ बैठे बन जाता होगा यहाँ पे, ना बदबू आती है, बीमारी हो रही है, नहीं तोड़ी जाती इतनी बदबू आती है, बहुत ज्यादा बदबू आती है, निकालने कैसे रास्ता है, ये कुछ गंदा है, दुनिया भर के गंदा है। यहाँ आस पास के लोग बैठा भी जाता होगा आप लोग? बैठा भी नहीं जाता भैया, अब क्या मेन आप ही देख लो, मेन गेट के सामने आप ही देख लो, कोई कहने वाली बात थोड़ी ना, आप ही देख सकते। तो हमने मादीपुर विधानसभा में जो है लोगों का
मिजाज जानने का प्रयास किया, लोगों का राय जानने का प्रयास किया, उनका मूड जानने का प्रयास किया, तो आपने देखा किस हिसाब से लोगों का जो है बीजेपी की बीजेपी का नाम कई लोग ले रहे हैं। वहीं हमने जो है मोदी सरकार की और दिल्ली सरकार की योजनाओं को लेकर भी बात की, और मोदी सरकार के अब तक जो जो काम हुए हैं, जो जो बिल वो लेके आए हैं, उन बिलों का क्या दिल्ली विधानसभा में फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये भी हमने लोगों को इससे पूछने का प्रयास किया। तो ज़्यादातर लोगों ने कहा है कि उनका कुछ ना कुछ उन जो योजनाएं दिल्ली सरकार की वो जो योजनाएं भारत सरकार के द्वारा जो लाई गई है उनका कहीं ना कहीं इस चुनाव में असर देखने को मिल सकता है। और विधानसभा में चलेंगे और लोगों का मूड जानने का प्रयास करेंगे, क्या है अब की बार दिल्ली का मूड, क्या दिल्ली सरकार भारी पड़ेगी बीजेपी पे या बीजेपी भारी पड़ेगी दिल्ली पे, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कांग्रेस की क्या स्थिति रहने वाली है आने वाले विधानसभा में, वो भी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप देखते रहिए, बने रहिए हमका 24/7 के साथ। कैमरामैन दिनेश साथ महेंद्र आर्या, मादीपुर, धन्यवाद।